डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार पाकिस्तान के लिए अमेरिका का सख्त रुख देखने को मिला है। व्हाइट हाउस ने साफ संकेत दिए हैं कि भविष्य में अमेरिका में पाकिस्तान के नागरिकों के प्रवेश पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। दरअसल व्हाइट हाउस के प्रमुख रिंस प्रीवस ने साफ कर दिया है कि जिन देशों पर अमेरिका में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया है उस सूची में पाकिस्तान को भी शामिल किया जा सकता है। हालांकि इस दौरान 7 देशों के लोगों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध पर व्हाइट हाउस की सफाई भी सामने आई है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि जिन 7 देशों पर पाबंदी लगाई गई है उनको कांग्रेस और ओबामा प्रशासन ने ऐसे देशों के तौर पर शिनाख्त कर रखी थी जहां खतरनाक आतंकवाद को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान, इराक, लीबिया, सूडान, यमन, सीरिया, सोमालिया के प्रवासियों के अमेरिका आने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर खुद अमेरिका के अंदर इस फैसले का लोगों ने जमकर विरोध किया, जिसको देखते हुए अमेरिकी अदालत ने फिलहाल इस फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी है। हालांकि व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप वही कर रहे हैं जिसका उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने कहा है कि यह कुछ भी नया नहीं है, राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरे चुनाव प्रचार और सत्ता हस्तांतरण के दौरान यह बात कही थी। फिलहाल ट्रंप के इस फैसले पर अदालत की अस्थायी रोक लगी हुई है। ऐसे में अगर व्हाइट हाउस अमेरिका में पाकिस्तानियों के प्रवेश पर भी पाबंदी लगा देता है तो यह कदम दोनों देशों के बीच रिश्ते तल्ख कर सकता है। देखते रहिए डीबी लाइव।